स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। मैथमेटिक्स सेक्शन पे हम बात करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है उस पे है क्वेश्चंस हम बात करेंगे। वो टॉपिक है रेलवे पर आधारित प्रश्न। रेलवे पर आधारित स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन पे आज हम बात करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। ध्यान रखें, ऑप्शन है 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड और 11 सेकेंड। अब कैसे इसे सॉल्व करना है, ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन दिया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ध्यान रखें रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई है 100 मीटर, ध्यान रखें, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, जो चाल है रेलगाड़ी की वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को, ध्यान रखें कि जब हम रेलवे के सवालों में कोई खड़े व्यक्ति, खंबा या ऐसी चीज लेते हैं जिसकी बहुत ज्यादा लंबाई नहीं होती है तो उसे नगण्य मान लिया जाता है, तो वहां पर हम लंबाई सिर्फ ट्रेन की काउंट करेंगे, वहां पे हम व्यक्ति को छोड़ देंगे, या पोल रहता है यहाँ पे तो उसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें क्या समय, कितने देर में, यानी हमें समय निकालना है, चाल दी है, दूरी दी है और समय निकालना है, तो फॉर्मूला सीधे सीधे है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला हम लोग सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, छठी सिक्स सेवन से। हमें निकालना है समय, तो चाल यहां पे आ जाएगी और समय यहां पे आ जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल इस फॉर्मूले से, ठीक है। दूरी हमारे पास 100 मीटर है और चाल हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रखें कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, या समय घंटे में दिया है, लेकिन जो हमारा टाइम आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है। तो ध्यान रखें कि हम क्या करेंगे, दो राशियां होती हैं, ध्यान रखें स्पीड वाले क्वेश्चंस में, एक होता है मीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड, चाल का जो यूनिट होती है एक वो होती है मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, ये दो चीजें होती हैं। तो जिसमें आंसर हमें पूछा गया है उसके हिसाब से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लंबाई तो ठीक है मीटर पर सेकंड, सेकंड में आना है तो लंबाई तो ठीक है मीटर में, लेकिन चाल जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकंड में बदलें, फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति यानी बटे घंटा ये दिया है, अब ध्यान दें किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में है ना, इसमें बदलना है। देखिए किलोमीटर बड़ी इकाई है और घंटा भी बड़ी इकाई है, मीटर किलोमीटर से छोटी है और घंटे भी सेकंड से बड़ी है, तो ये दोनों छोटी है, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, कितने 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, देखिए घंटे के बाद मिनट आएगा ना और फिर सेकंड आएगा, तो 1 घंटे में तो होते हैं 60 मिनट, है ना, और 60 मिनट को भी फिर सेकंड में लेना पड़ेगा, तो 1 मिनट में कितने घंटे, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, 60 × 60 सेकंड 1 घंटे में, तो 6 × 36 और 2 0 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, बाकी आप फटाफट कर लोगे बाद में, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 18 = 36, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा किसी भी चाल को, तब हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, फटाफट हो जाएगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर पूछा जाता है कि मीटर पर सेकंड को हमने बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर में, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जब कन्वर्जन को ध्यान रखना, जब बड़ी को छोटी में बदलना है तो ऊपर कौन से आ रही है, छोटी, छोटा आ रहा है डिजिट 5, लेकिन जब छोटे को बड़े में बदलना है तो ऊपर कौन सा आ रहा है, 18, ये ध्यान रखना, बड़ा ऊपर आ रहा है, ध्यान रखना, तो 5/18 और 18/5 में कंफ्यूज मत होना। अब हमारा सवाल खत्म हो जाएगा, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें इसे बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 30 गुणा गया 5/18 और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, काट दीजिए
तीन से कर सकता है, 3 10 की 30 और 3 6 18, ठीक है। फिर 2 से काट सकते हो, 2 5 10 और 2 3 6, ठीक है, आप काट सकते हो। और सीधे सीधे ये हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया, चाल हो गई। हमें क्या निकालना है, समय। फॉर्मूला है दूरी बटे चाल, दूरी है 100 मीटर, तो 100 मीटर बटे 25/3 आ गया। ध्यान रखें इसके नीचे एक ले लीजिए, भिन्न के नीचे, जब भिन्न होती है हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो नीचे वाली भिन्न उल्टा हो जाएगी गुणा में, ठीक है। तो 100/1 × 3/25, ये गुणा में उल्टी हो गई है, 25/3 थी, 3/25, लेकिन चिन्ह भी बदल गया, भाग का चिन्ह गुणा में आ गया। कर लो 25 6 100 और 4 3 12, 12 सेकेंड हमारा आंसर आएगा। इस चीज को, इस क्वेश्चन को इसलिए इतना समय लगना पड़ रहा है 12 सेकेंड राइट आंसर, क्योंकि कन्वर्जन का हमने पूरा इसमें सीखा है, ठीक है ना। इसे समझ लीजिएगा कि हमने जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और जब हमने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 कर देंगे। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब बड़े को छोटे में बदलना है, तो छोटा नंबर ऊपर आ रहा है 5, ठीक है, और जब छोटे को बड़े में करें, तो बड़ा नंबर ऊपर आ रहा है 18, है सेम 5/18, 18/5, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आपके सामने है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ध्यान रखें तीन चार की पॉइंट है, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, ठीक है, कितनी है लंबाई रेलगाड़ी की, वो दिया है 171, ठीक है, मीटर मीटर में दिया है, और कह रहा है कि चाल भी दी है, और चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर, और चाल स्पीड दे रखी है, और उसके बाद 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। समय हमें निकालना ही है, लेकिन इसमें ध्यान दें साथियों कि इसमें पुल की बात की गई है, तो जो ट्रेन को डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, पिछले क्वेश्चन में जो हमने बात की थी, वहां पे पोल, व्यक्ति या कोई चिड़िया, इस तरीके की क्रॉस उनमें नगण्य मानते हैं, उसमें लंबाई वही होगी, दूरी वही तय करनी पड़ेगी ट्रेन को जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर पुल भी क्रॉस करना है, और वो भी 229 मीटर, तो यहां पर जो लंबाई है ट्रेन की, तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को, अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, ठीक है ना, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। और आंसर हमें सेकंड में दिए हैं, तो आपको पता है मीटर पर सेकंड में होना चाहिए सब चीज, मीटर और सेकंड में, तो ध्यान दीजिएगा, इसे जोड़ दीजिएगा 9 1 10 0 7 2 9 1 10, ठीक है, 1 2 1 3 1 400 मीटर की क्या है दूरी तय करनी है ट्रेन को, चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में आंसर आ रहा है, तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्या बताया था, जब छोटी को बड़ी, बड़ी को छोटी में बदलना है, तो ऊपर छोटा आएगा 5/18, अब ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसे चाहो तो काट सकते हो, है ना, काट सकते हो, काट दीजिए इसे, 3 3 से काटिए, 3 15 3 45, 3 6 18, ठीक है, और 3 से काट सकते हो, 3 5 15, 3 2 6, तो कितना आया 5 5 25/2, 25/2 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया चाल होगी। हमें क्या निकालना है, समय, बड़ा इजी है, फॉर्मूला वही, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना, तो इसका मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगा, और दूरी तो वही थी ट्रेन की और पुल की लंबाई जोड़ के 400 मीटर, है ना, और जो चाल है वो 25/2 मीटर पर सेकंड है। तो ध्यान रखें कि नीचे एक भिन्न है, इसके नीचे ऊपर वाले के एक भिन्न बना लीजिए, 1 मान लीजिएगा, तो नीचे वाले जो भिन्न है वो गुणा में क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 2/25 आ जाएगा। यहाँ पे इसे काट सकते हो बड़ी आसानी से, 25 से काट सकते हो इसे बढ़िया से, या 5 से काट लीजिए, तो 25 1 25 और 25 6 150, ठीक है, 16 2 32, 32 सेकेंड क्या होगा समय लगेगा इस ट्रेन को पुल क्रॉस करने में, तो आंसर होगा 32 सेकेंड। तो ध्यान रखें जब पुल आएगा या कोई स्टेशन आएगा, तो उस केस में हमने क्या करना है,
जो कुल दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को, वो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई या स्टेशन की लंबाई जो भी दिया गया है, ठीक है ना, जिसको जो काउंट कर सकते हैं हम, जिसे काउंट किया जा सकता है, और जबकि व्यक्ति पोल इत्यादि को क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लीजिएगा, हमारे सामने क्या है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ध्यान रखें, 22 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर। सबसे पहले आपको आंसर ही देखना है कि आंसर किस में पूछा गया है, ताकि आपको बार बार उसे सॉल्व ना करना पड़े, बदलना ना पड़े। तो मीटर पर सेकंड में आंसर है, यानी मीटर और सेकंड में दूरी और समय का होना जरूरी है। दूरी का होना है मीटर में और समय का होना है सेकंड में। तो ध्यान रखें, एक तो हमें दिया है रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई दी है 180 मीटर, है ना, लेकिन वो कह रहा है कि अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, हमने बात की प्लेटफॉर्म पुल जो जिनके हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी लंबाई, उनको क्या करना है, जोड़ देना है, वही दूरी कह रहा है कि। तो दूरी क्या होगी, 180 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, लेकिन अपने समान यानी 180 मीटर ही जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई भी है, तो टोटल दूरी हो जाएगी 360 मीटर, 180 प्लस 180, 360 मीटर। दूसरा, प्लेटफॉर्म को पर 18 सेकंड का समय लेती, तो समय कितना है, समय है 18 सेकंड का टाइम। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल, बड़ा सिंपल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वो भी मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो हमारी दूरी मीटर में है ही और समय सेकंड में है ही, तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है। तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, यानी दूरी है हमारी 360 मीटर, ट्रेन को करना पड़ेगा कवर 18 सेकंड में, है ना, तो 18 सेकंड में काट दीजिए, 18 दुना 36 और एक जीरो पीछे से है ही, तो 20 मीटर पर सेकंड हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दिया है स्क्रीन पे आपके, 125 मीटर लंबी, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल, ध्यान रखें पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है, पुल की लंबाई क्या है, 375 मीटर, 225 मीटर, 125 मीटर और 200 मीटर। तो ध्यान रखें, हमें एक तो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला तो सीधा सीधा यही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है ना, और हम दूरी क्या लेते हैं रेलवे के सवालों में, ध्यान रखें जब किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, हम क्या करते हैं, रेल की गाड़ी की लंबाई भी जोड़ते हैं उसमें, और पुल की लंबाई या स्टेशन की लंबाई भी जोड़ते हैं प्लेटफॉर्म की। तो दूरी ध्यान रखें, यहाँ पे दूरी क्या होगा, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर, ठीक है, लेकिन हमें पुल की लंबाई नहीं दी, वही निकाल ली, मान लेते हैं एक्स एक्स है, तो टोटल दूरी कितनी कवर करनी पड़ेगी इस ट्रेन को, 125 प्लस एक्स, ठीक है ना, ये पुल की लंबाई हम मान लेते हैं, माना एक्स, लेट ये है एक्स मीटर, ठीक है। अब समय हमें दिया है, समय दिया है 30 सेकंड का टाइम दिया है, ठीक है ना, फॉर्मूला वही लगेगा, हमें इसी तरीके से निकालना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल भी दी है हमें, चाल जो दे रखी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ध्यान रखें, आंसर किस में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट रखता है, आंसर आ रहा है मीटर, यानी मीटर प्रति सेकंड में, या तो मीटर में होनी चाहिए या सेकंड में होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, ये मीटर में है ही, है ना, ये तो मीटर में है ही, 125 मीटर ट्रेन की लंबाई थी, एक्स मीटर हमने मान ली पुल की लंबाई, ये सेकंड में है ही समय, तो क्या करते हैं, चाल को फटाफट हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो तरीका क्या था, बताया था, बड़े को छोटे में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे को, मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटा ऊपर आएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा, 6 दशमलव 60 और 6 × 3 = 18, तो कितना आया, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ओके, सब चीज फिट हो गया, रख दीजिए चाल की जगह, चाल रख दीजिए 50/3, दूरी कितनी है, 125 प्लस एक्स, ध्यान रखें दूरी दोनों काउंट होगी, रेलगाड़ी भी की दूरी भी, लंबाई भी, और जो प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई है
और समय कितना है 30 सेकेंड। हमें क्या निकालना है एक्स, तो सॉल्व करेंगे तो जब भिन्नें होती हैं दो बराबर में तो बजन गुणा लगाते हैं, इसकी गुणा इसमें बराबर इसकी गुणा इसमें, तो इसकी गुणा इसमें करो 50 गुणा गया 30 बराबर इसकी गुणा इसमें कर दो 3 गुणा गया 125 प्लस एक्स, ठीक है 5 3 15 और 2 0 लगा दो पीछे से 1500, और ये कर दो 125 की गुणा 3 में कितना होगा 25 3 75 100 3 300 है ना 375, और 3 गुणा गया x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ है तो उसको ब्रैकेट के अंदर सभी में गुणा करना होता है, ये मैथ्स का नियम है। हमें क्या निकालना है x, तो खाली करो बाकी सब, 1500 -375 ठीक है बराबर है 3x के, पहले इसे घटा दीजिए 10 में से, इसे घटाना है क्या 1500 में से 375 घटा दो तो कितना है 10 में से, यहाँ पे कुछ है नहीं यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ से लेंगे एक, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 10, एक इधर लेंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 7 घटा 2, 4 में से 3 घटा 1, 1 का 1 1125 बराबर 3x। हमें क्या निकालना है x, 3 को हटाओ तो ये जाएगा इसके नीचे, तो x बराबर 1125/3, भाग दे दीजिए 3 का 1125 में भाग दे दीजिए, तो 1 में तो जाएगा नहीं, 11 में 3 3 9 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा 5 उतारेंगे 3 5 15, पूरा पूरा भाग चले गया, आंसर आया 375 मीटर। तो ध्यान रखें जो रेलगाड़ी का सवाल में जो पुल की लंबाई इस प्रश्न में आएगी वो 375 आएगी, वो इसलिए आई क्योंकि हमने एक्स मान लिया था पुल की लंबाई, और दूरी क्या करती है ट्रेन कवर, जो खुद की लंबाई है और जो पुल की लंबाई है वो दोनों को कवर करती है। बाकी फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय वाला ही हमने लगाया, चाल को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में इसलिए बदला क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा था, तो सारे मीटर पर सेकंड में या मीटर या सेकंड में होने जरूरी है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल लिखा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को, ध्यान रखें एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पे इसलिए ध्यान देना जरूरी है, बताया था कि यूनिट क्या दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हैं आंसर 48 60 72 64, तो यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है पहले भी पता है आपको, ठीक है तो किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर निकालना है। तो ध्यान रखें रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 250 मीटर, तो चूंकि हम चाल दूरी समय इन क्वेश्चन में चल रहे हैं तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय है ना, दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, तो दूरी ध्यान रखें रेलगाड़ी की लंबाई, और यदि खंबा है या कोई व्यक्ति है या कोई पक्षी है या कोई पोल है जो भी है उस केस में हम नगण्य मानते हैं, उस केस में हम क्या लेते हैं इसकी लंबाई शून्य लेते हैं रेलवे के प्रश्नों में, तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी जो उसकी खुद की लंबाई है ना, और अगर पुल रहता अगर प्लेटफॉर्म रहता या कोई स्टेशन रहता तो उस केस में इसमें दूरी में वो लंबाई भी जुड़ती स्टेशन की पुल की या प्लेन की, तो दूरी हो गई 250 मीटर। और हमें समय दिया है कितना, समय दिया है 15 सेकेंड, ठीक है 15 सेकेंड टाइम दिया, हमें क्या निकालनी है चाल, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, वो भी किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर पर सेकंड में तो आ जाएगा इसमें सीधे सीधे फिर बदल लेंगे, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी है 250 मीटर और समय है 15 सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा ये, ठीक है ना, तो काट दीजिए 5 से 5 5 25 0 का 0 5 3 15 यानी 50/3 मीटर पर सेकंड, ये है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आंसर किस में दिया किलोमीटर प्रति घंटे में, क्या बताया था जब छोटी को बड़ी में बदल दे तो ऊपर क्या आएगा बड़ा 18, तो क्या कर देंगे इसे 18/5 से गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा अब किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है तो काट दीजिए 5 10 की 50 और 3 6 18 तो 10 6 60 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है तो हमने इसे बदल लिया बाद में, तो बदलना आंसर्स के अकॉर्डिंग है जो आंसर पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या दिया है,
108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, व्यक्ति की चाल कितनी है? तो ध्यान रखें, फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। और रेलगाड़ी का प्रश्न के साथ इसमें व्यक्ति को भी जोड़ दिया गया है, और वो भी कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी रहती तो हमें पहले की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई लेनी थी। और समय हमें दिया था 5 मिनट, तो हम इससे आंसर निकाल लेते, दूरी बटे समय व्यक्ति की चाल। लेकिन हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी है, तो हमें पहली वाली कंडीशन को रेफर करना पड़ेगा। यहां से हम निकालेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई और फिर व्यक्ति की स्पीड हम निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो रेल के मामले में दूरी क्या होती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। दूरी होती है एक तो रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर, ठीक है, और एक होती है प्लेटफॉर्म पुल, अगर है कुछ लंबी चीज तो उसकी लंबाई। नहीं पता तो मान लेते हैं एक्स मीटर, है ना? क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर मान लो इसे, ठीक है। तो ये 240 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना? 240 प्लस एक्स मीटर हो गया, दूरी मीटर में है। आंसर हमारा मीटर प्रति सेकंड में है, ध्यान रखना, आंसर को चेक करते रहे, मीटर पर सेकंड में आंसर। और हमें जो रेलगाड़ी की चाल दी हुई है वो दी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखें आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ रहा है और दूरी भी मीटर में दी है, तो सीधे बदल दीजिए इसे, 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, बड़े को छोटे में बदलना है तो क्या होगा, ऊपर छोटा आएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 18 से कट जाएगा, ये सीधे सीधे काट लीजिए, 18 × 6 = 108, 6×5 = 30, 30 मीटर पर सेकंड क्या है, ट्रेन की चाल है। समय भी हमें दिया हुआ है, समय कितना है 20 सेकंड, समय है 20 सेकंड, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में रख लेंगे इसमें, तो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो चाल कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो चाल हो गई 30। दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 प्लस एक्स अपॉन, समय कितना है 20 सेकंड, बजट गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, एक लेके नीचे, ठीक है। तो 30 × 20 = 240 + x, ठीक है। हमें x निकालना है, पहले इसकी गुणा, 3 × 2 = 6 और 2 × 0 = 600 = 240 + x। x क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा 240, तो x बराबर 600 − 240, तो 240 हम जब 600 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 360 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, 360 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्यक्ति की चाल निकालनी। तो सेकंड कंडीशन पे अब हम आएंगे, व्यक्ति की चाल, फॉर्मूला तो वही है, दूरी बटे समय, दूरी मिल गई है क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 मीटर हो गई। समय ध्यान रखें मीटर पर सेकंड में है, तो समय यहां मिनट में दिया है, तो समय को क्या करेंगे, व्यक्ति के मामले में व्यक्ति के लिए समय होगा 5 सेकंड, समय कितना है 5 मिनट, सॉरी, और इसे बदलेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 × 60 सेकंड, तो 300 सेकंड समय आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चाल व्यक्ति की, तो व्यक्ति की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय, दूरी है 360 मीटर क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और बटे 300, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 से कटेगा, 12 × 36 और 3 × 10 = 30, फिर 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, तो कितना आया, ये 6/5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये दिया नहीं है, भाग कर दो, 5 × 5, ठीक है, और बचेगा 5 × 6 कितना आएगा, 5 का भाग जब 6 में देंगे तो 5 × 2 = 10 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें ऐसे सवाल पूछेंगे तो हर एक स्टेटमेंट को सेपरेट सॉल्व करना है और आंसर को देखना है किस यूनिट में, किस इकाई में दिया है, मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर प्रति घंटे में है या मीटर में है या सेकंड में है या मिनट में, किस में है,
तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा।